तो फ्रेंड्स ये जो सूर्य मंदिर हम लोग आ चुके हैं तो देख सकते हैं यार। अरे बैठना भाई बेकार। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं कि सूर्य मंदिर हम लोग पहुंच चुके हैं। हेलो फ्रेंड्स, तो हम आज जा रहे हैं सूर्य मंदिर घूमने के लिए। जय श्री राम। तो फिर देख सकते हैं कि यहाँ का रोड ही बहुत ही है जो व्यस्त है और बड़ा बड़ा गाड़ी भी चलता है यहाँ पर, और रोड में है जो बहुत ही प्रदूषण है जो फैला के चल रहा है। तो इसमें है जो चाहिए ड्राइवर लोग को कि रोड थोड़ा बिजी है इसलिए गाड़ी थोड़ा धीरे चलाएं, ताकि बहुत ही देख सकते हैं कि यहाँ आने जाने वाले बाइक सवारों को, यात्रियों को तकलीफ होता है। तो यहाँ तक आपको जो बहुत थोड़ा व्यस्त एरिया मिलेगा ट्रांसपोर्टिंग का। तो बने रहे वीडियो में, तो हम चलते हैं सूर्य मंदिर की ओर। फ्रेंड्स देख सकते हैं कि इस पुल से है जो हम लोग सूर्य मंदिर जाएंगे। तो देख सकते हैं कि ये है जो संडे विहार का पुल है जो गांधी नगर की ओर जाता है, और गांधी नगर हो करके ही हम लोग फ्रेंड्स जाएंगे सूर्य मंदिर की ओर। तो बने रहे वीडियो में। तो फ्रेंड्स पुल हम लोग पार कर चुके हैं, अब यहाँ से है जो हम लोग को रोड बहुत ही स्वच्छ मिलेगा और बहुत ही बेहतरीन नज़ारा हमें यहाँ चारों ओर देखने को मिलेगा फ्रेंड्स। तो देख सकते हैं आप सभी, तो यहाँ पर है जो अमन जी, आपको गाड़ी चलाने में कैसा अनुभव हो रहा है? इधर से अभी तो ठीक लग रहा है, उधर गर्दा उड़ रहा था, इधर आपको अच्छा अनुभव हो रहा है ना? आसपास का नज़ारा भी आपको चारों ओर हरा भरा दिख रहा होगा, हरियाली ही हरियाली है। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ का आपको एरिया बहुत ही स्वच्छ मिलेगा। तो देख सकते हैं चारों ओर यहाँ का एरिया बेहतरीन नज़ारा हमें देखने को मिलेगा फ्रेंड्स। देख सकते हैं आप सभी, आपको यहाँ का लोकेशन कैसा लग रहा है? ब्यूटीफुल, एक नंबर, एक नंबर लग रहा है। अच्छा एरिया देख सकते हैं जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। सबसे अच्छा एरिया में आपको ये नज़ारा लोकेशन आपको देखने को मिलेगा फ्रेंड्स। देख सकते हैं कि ये सीआईएसएफ का कैंप था, तो लगे के कारण इसे है जो खाली करा दिया गया है। तो देख सकते हैं तो फ्रेंड्स देख सकते हैं ये गांधीनगर चौक आ चुके हैं हम लोग। तो देख सकते हैं, तो फ्रेंड्स रास्ता में भी हमें एक मंदिर मिला है। तो देख सकते हैं आप सभी, ये शिव मंदिर है। अमन जी इस गाड़ी में जो क्या जा रहा होगा, देख सकते हैं आप सभी, पेट्रोल डीजल कुछ, ये गाड़ी में आगे जो जा रहा है इसमें हमें लगता है कि बारूद जा रहा है इस गाड़ी में। हाँ गोमिया से, आईएल से बारूद ही जा रहा है। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पूरा पहाड़ी एरिया आपको मिलेगा। तो देख सकते हैं, तो फ्रेंड्स ये जो तीन नंबर हम लोग आ चुके हैं, देख सकते हैं, तो तीन नंबर का एरिया हम लोग घुस चुके हैं। तो यहाँ से हमें शॉर्टकट पड़ेगा ना? अमन जी भी कन्फ्यूज है लगता है, बस सीधे चलना है ना। तो फ्रेंड्स हम लोग तीन नंबर एरिया से है जो निकल चुके हैं, तो ये हमें ग्राउंड देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर है जो दुर्गा पूजा का मैदान में भी लगता है, यहाँ पर मेला लगता है, देख सकते हैं पूरा जो जर्किन हम लोग पार कर चुके हैं। तो फ्रेंड्स ग्राउंड हम लोग है जो पार कर चुके हैं, तो देख सकते हैं। सूर्य मंदिर यहाँ से कितना किलोमीटर होगा अमन जी? यहाँ से 500 मीटर। 500 मीटर यानी कि आधा किलोमीटर लगभग हमें अमन जी से जानने को मिल रहा है। तो देख सकते हैं आप सभी, यहाँ जर्किन बहुत ज़्यादा है, सो बहुत है जो थोड़ा धीरे ही गाड़ी चल रहा है फ्रेंड्स। तो देख सकते हैं यहाँ पर है जो व्यूअर्स मिल चुका है। तो फ्रेंड्स अमन जी ने सही कहा था, तो यहाँ पर है जो सूर्य मंदिर का नज़ारा हमें देखने को मिल रहा है फ्रेंड्स, देख सकते हैं आप सभी। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, तो कितना ज़बरदस्त लोकेशन है हमें देखने को मिल रहा है। यहाँ सामने भी एक हमें मंदिर मिल चुका है,
तो मंदिर को पार कर चुके हैं। ये सूर्य मंदिर का नजारा फ्रेंड्स देख सकते हैं। क्या पूरा ब्लॉगिंग का नशा है भाई मेरे वाले। तो फ्रेंड्स ये जो सूर्य मंदिर हम लोग आ चुके हैं तो देख सकते हैं यार। अरे बैठना भाई। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं कि सूर्य मंदिर हम लोग पहुंच चुके हैं। फ्रेंड्स देख सकते हैं कि फाइनली है जो हम सूर्य मंदिर पहुंच चुके हैं। तो देख सकते हैं नज़ारा यहाँ का हमें। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स चारों ओर से हमें नज़ारा यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो यहाँ से हम लोग घुसेंगे और जो हम पूरा मंदिर घूमने वाले हैं फ्रेंड्स। तो देख सकते हैं आप सभी सेवक है। तो आप बता सकते हैं अंकल ये मंदिर कब बना है, मतलब कब का बना हुआ है, आज से कितना साल पहले का? ये मंदिर का बंद हो गया है 14-15 साल हो गया है। और इस मंदिर में लोग बहुत दूर दूर से भी आते हैं क्या? दूर दूर से यहाँ यजमान जिसका मन में श्रद्धा होता है आता है, यहाँ मन्नत करता है, उसके जिसका मन्नत पूर्ण होता है यहाँ पर प्रसाद भोग चढ़ता है हर संडे को भगवान का। हर संडे को? हाँ, भास्कर भगवान का हर रविवार को चढ़ता है। आज जितना जनता आता है सबको वितरण प्रसाद होता है। आई ने यहाँ हर नेसेसरी हर संडे को होना है। पूजा तो ऐसे सुबह शाम भी करते करते हैं, लेकिन भोला उस दिन आदमी लोगों का था, भीड़ होता है संडे के संडे को। हाँ, तो संडे को मतलब होता है ना पूजा। और यहाँ पे शादी ब्याह भी होती है क्या? हाँ, यहाँ शादी ब्याह भी होता है, खास विवाह मंडप बना हुआ कुछ बना हुआ है। हाँ। और अभी हाल फिलहाल में कुछ होने वाला है क्या मंदिर में? देखा जा रहा तो रंग पेंट भी, रंग पेंट अभी फिलहाल चल रहा है। हर साल यहाँ पर 10 से लेकर 16 तक के यज्ञ होता है, जो 5 दिवसीय यज्ञ होता है। कितना कितना बोले आप? 5 दिवसीय यज्ञ होता है। ये कौन से महीने में होगा? जैसे अभी तो हर अप्रैल महीना में होता है, वो फिक्स है। 11वें स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है हर साल अप्रैल में। हाँ, और उसके बाद 16 तारीख के जागरण होता है। 16 अप्रैल को जागरण होगा। हाँ, और ये यज्ञ कब से स्टार्ट होने वाली है? आपको बताए ना कि 10 से लेकर के 16 तारीख तक। 16 तारीख मैंने 11 से 15 तक 5 दिवसीय आपका यज्ञ होता है, जिसमें दूर दूर से वृंदावन से अयोध्या से अयोध्या से मैंने इसमें प्रवचन करता करने वाले आते हैं लोग। और यहाँ पर होता है 5 दिन आदमी अपना उन लोगों का प्रवचन का आनंद लेता है। और उसके बाद 16 तारीख को लास्ट दिन यहाँ पर होता है कि जागरण होता है, और उसी दिन यहाँ पर सब श्रद्धालु लोग के मने प्रसाद बनता है उस दिन, पूरी सब्जी सब। फ्रेंड्स हमने पंडित जी से यहाँ का जाना कि यहाँ पर है जो क्या 15-16 वर्ष जो सूर्य मंदिर का जो स्थापना हुआ है, और यह जो अप्रैल महीने में 11 से 16 तारीख तक यहाँ पर है जो हर एक वर्ष मेला लगता है, यहाँ पर प्रसाद होता है, भोग बनता है, और दूर दूर से यहाँ पर है जो घूमने के लिए श्रद्धालु लोग आते हैं, और है यहाँ पर है जो अयोध्या वृंदावन से है जो भजन करने के लिए कीर्तन करने के लिए यहाँ पर आते हैं, बाबा सब आते हैं दूर दूर से। तो बने रहे वीडियो में। तो अभी हम यहाँ का जो चारों ओर का नज़ारा देखने वाले हैं, यहाँ पर क्या क्या घूमने के लिए अच्छा अच्छा हमें देखने को दृश्य मिलेगा फ्रेंड्स। तो बने रहे वीडियो में। और यहाँ पर ये जिस तरफ ग्राउंड है इसी यहाँ का मेला लगता है। अच्छा, वो ग्राउंड तो हम अभी तक गए ही नहीं कभी। नहीं, यहाँ से देखिएगा तो सब नज़ारा आ जाएगा। ओकर बाद नानी फिर से उसके बाद में जाता है कलश यात्रा दामोदर घाटी को, दामोदर नदी में जाता है। वहाँ से पानी भर के आता है कलश, उसके बाद यज्ञशाला में ये है आपका सामने। हाँ, इसमें यजमान लोग का जो कुंड बना हुआ है पांचों, उसमें बैठ करके अपना पूजा यात्रा करता है। खाना का व्यवस्था किया है, लोग खाना पीना खाते हैं, उसके बाद अपन आराम से। ग्राउंड खैर ठीक, बड़ा बड़ा अच्छा ठीक है, अच्छा खासा फैला हुआ है, अच्छा खासा मेला लगता होगा यहाँ पर। हाँ। तो देख सकते हैं यहाँ पे हमारे सामने में बैनर वाले भी, जो कि विशाल भाई वो भी ब्लॉगिंग कर रहा है। कंटिन्यू ग्राउंड भाई तुम्हें यहाँ पे आके बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पे। तो आना है ना अभी जो अंकल बताया है 10 तारीख को। हाँ, 10 तारीख को आप लोग भी गए, जरूर से जरूर आइए यहाँ पे, देख सकते हैं सूर्य मंदिर। और इसका एड्रेस क्या अंकल, पूरा डिटेल में बता दीजिए आप कहाँ पे आना होगा। ये है आपका वैदकारो चलकरी कॉलोनी, सटा हुआ कॉलोनी है जो सीसीएल अप्लाई रहता है, और सटा हुआ बस्ती, तो दोनों एड्रेस है, वैदकारो बस्ती है हुआ, और उसके बाद चलकरी कॉलोनी है।
सब व्यवस्था है, देखिएगा तो कितना आनंद लग रहा है। यहाँ का लोकेशन बहुत बढ़िया है, हम लोग कह रहे थे कि झारखंड का एक यूनिक जगह है यहाँ पर बना हुआ है। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं कि चारों ओर का नज़ारा हमें यहाँ पर देखने लायक मिलेगा फ्रेंड्स। तो आसपास चारों ओर प्रकृति के गोद में हम लोग है जो अभी आए हुए हैं, चेक डैम उसमें बनाया है, तो झील उल सब हम लोग अभी देखने वाले हैं फ्रेंड्स। तो देख सकते हैं यहाँ का नज़ारा, चारों ओर हमें अनोखा जो मंदिर हमें देखने को मिलेगा फ्रेंड्स। झारखंड में सूर्य मंदिर है फ्रेंड्स, देख सकते हैं आप सभी। वाइड में ले रहा है ऐसे, एक बार पूरा चारों घुमा देगा ऐसे स्पीड में। तो फ्रेंड्स ये आप मंदिर यहाँ पर देख रहे हैं, ये हमें लगता है कि मठ है जो यहाँ पर है, जो मेला लगता है उस समय 11 से 15 तक यहाँ हवन कीर्तन होता है, तो यही जगह हम देख सकते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पर तो फ्रेंड्स इस प्रकार हमें देखने को मिल रहा नज़ारा, यहाँ पर कृष्ण जी और राधा जी का मूर्ति है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो इस प्रकार है जो हमें यहाँ देखने को मिल रहा है, यहाँ पर हवन होता है फ्रेंड्स, ऐसा देखने में लग रहा है फ्रेंड्स यहाँ। तो फ्रेंड्स चारों ओर खूबसूरती हमें नज़ारा देखने को मिल रहा है, तो आप सब देख सकते हैं कि शाम का समय होने वाला है और ज़बरदस्त नज़ारा है जो हमें देखने को मिल रहा है फ्रेंड्स यहाँ पर, तो आप सभी देख सकते हैं। तो मंदिर में हमें इसी प्रकार का है जो मूर्ति सब देखने को मिलेगा, कलाकृति सब देखने को मिलेगा फ्रेंड्स, तो देख सकते हैं आप सभी। फूल इस सब का पौधा भी हमें सब देखने को मिलेगा फ्रेंड्स, देख सकते हैं। चारों ओर का लुक है जो हमें इस प्रकार देखने को मिल रहा है, तो देख सकते हैं आप सभी। राजा भाई है जो ब्लॉगिंग कर रहे हैं और फोटो शूट करा रहे हैं, तो देख सकते हैं। तो अभी हम लोग नीचे भी घूमने वाले हैं, तो दोस्तों बने रहे वीडियो में। इन लोग का लगभग फोटो क्लिक हो चुका है, तो हम लोग चलने वाले नीचे फ्रेंड्स, तो देख सकते हैं बने रहे वीडियो में। फ्रेंड्स देख सकते हैं कि हम नीचे की ओर जा रहे हैं, तो राजा भाई सब है जो उधर फोटोग्राफी कर रहे हैं, तो चल रहा है वीडियो में बने रहे फ्रेंड्स। तो देख सकते हैं यहाँ पर है जो हमें बहुत सारा बेहतरीन कलाकृति देखने को मिलेगा, तो देख सकते हैं आप सभी। यहाँ बैठने उठने का भी जगह अच्छा है फ्रेंड्स, तो देख सकते हैं। तो इस प्रकार देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर झील भी हमें देखने को मिलेगा, तो बहुत ही अच्छा नज़ारा है हमें चारों ओर देखने को मिल रहा है फ्रेंड्स। तो आप सभी ये जो देख सकते हैं कि चारों ओर हरियाली भरा हुआ है यहाँ पर, तो आप सभी ये जो देख सकते हैं फ्रेंड्स, तो देख सकते हैं फ्रेंड्स बेहद शानदार नज़ारा हमें जो यहाँ से देखने को मिल रहा है, तो देख सकते हैं आप सभी। तो राजा भाई भी आ रहे हैं यहाँ से ब्लॉगिंग करते हुए। राजा भाई आपका ब्लॉगिंग हो चुका है? बस हो ही रहा है, तो लगभग में हो चुका होगा फ्रेंड्स। ये झील को और जाने का रास्ता है फ्रेंड्स, तो देख सकते हैं यहाँ पर ताला बंद है, तो हमें जो इधर से ही देखने को मिलेगा हमें। तो देख सकते हैं कि इस प्रकार है जो हमें यहाँ पर बेहद सुंदर है जो झील भी बन रहा है फ्रेंड्स। तो बनने के बाद ये और भी खूबसूरत लगेगा यहाँ पर। हर एक वर्ष यहाँ पर मेला लगता है अप्रैल में 11 तारीख से 16 तारीख तक, तो यहाँ पर घूमने के लिए भी आ सकते हैं। तो नज़ारा देख सकते हैं चारों ओर जो डेवलप कर रहा है, तो चारों ओर है जो बेहद शानदार नज़ारा हमें यहाँ जो देखने को मिलेगा फ्रेंड्स, तो देख सकते हैं आप सभी। तो यहाँ पर यह जो लोग का छठ घाट लगभग ये शायद ये बन रहा है, बेहद सुंदर बन रहा है फ्रेंड्स यहाँ पर, तो देख सकते हैं आप सभी। हम लोग चल रहे हैं अब ऊपर की ओर, तो देख सकते हैं अब मंदिर की ओर हम लोग जाने वाले हैं। तो लगभग चारों ओर का व्यू जो हम लोग फ्रेंड्स ले चुके हैं, तो देख सकते हैं सामने से इस प्रकार हमें व्यू देखने को मिलेगा फ्रेंड्स। तो आप सभी देख सकते हैं कि ज़बरदस्त नज़ारा हमें देखने को मिल रहा है फ्रेंड्स। वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, तो नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए वीडियो को शेयर करें। तो तब मिलते हैं अगले नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियोज़ पर।